हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल द फ्लेवर फीस्ट। आज मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छा एक पालक का डिश लेके आए हैं, तो आज हम बनाएंगे पालक खिचड़ी। लेट्स स्टार्ट द प्रिपरेशन। तो दोस्तों, खिचड़ी बनाने के लिए आप कोई भी दाल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिया आधा कप मूंग दाल, आधा कप चना दाल और लिया आधा कप मसूर दाल। उसके बाद हम लोग मूंग दाल और चना दाल को 10-15 मिनट के लिए पानी में भिगो के रख देंगे। उससे मूंग दाल और चना दाल अच्छे से बॉयल हो जाएगा। मसूर दाल को भिगो के रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आप कोई भी एक टाइप का दाल लेके खिचड़ी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे तीन टाइप का दाल लिए हैं और आपके मर्ज़ी के हिसाब से आप कोई भी दाल ले सकते हो। और मैंने यहाँ पे लिया एक कप चावल। तो आप देख सकते हैं कि मैंने क्वांटिटी में दाल ज़्यादा लिया है, चावल कम लिया है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप दाल और चावल इक्वल पोर्शन में भी ले सकते हैं। अभी मूंग दाल और चना दाल को भिगो के रखने के बाद हम लोग पालक को रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक बंच पालक लिया और अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में काट कर लिया। उसके बाद मैं ग्राइंड करके एकदम फाइन पेस्ट बना लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं पालक के फाइन पेस्ट। अभी बाकी इंग्रेडिएंट्स में हमको चाहिए आधा टीस्पून कटा हुआ गार्लिक, बारीक कटा हुआ एक प्याज, बारीक कटा हुआ आधा टीस्पून अदरक, आधा चम्मच हल्दी के पाउडर, आधा चम्मच जीरा धनिया के पाउडर, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर, बीच में से कटा हुआ 3 से 4 हरी मिर्ची और एक कटा हुआ टमाटर। तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पे एक तेज़पत्ता, रेड चिलीज और आधा चम्मच जीरा ले लिया। अभी कुकर में मसूर दाल और चावल को अच्छे से क्लीन करके ले लेते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं भिगो के रखा हुआ चना दाल और मसूर दाल। एक चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी के पाउडर, उसके बाद ले लेते हैं आधा चम्मच जीरा और धनिया के पाउडर। नेक्स्ट ले लेंगे आधा चम्मच लाल मिर्ची के पाउडर, चॉप किया हुआ टमाटर, 2 ग्रीन चिलीज ले लेते हैं बीच में से कटा हुआ अदरक। अभी हम लोग ले लेंगे कुकर में आधा लीटर जैसा पानी। आप देख सकते हैं पानी ले लिया। पानी लेने के बाद हम लोग लिड बंद करके 3 सीटी लगा देंगे। उसके बाद हम लोग ठंडा होने देंगे। आराम से गैस निकालने के बाद कुकर को खुलेंगे और देख सकते हैं यहाँ पे बॉयल किया हुआ दाल एंड राइस। अभी गरम कढ़ाई में 3 चम्मच घी ले लेंगे। घी गरम होने के बाद तेज़पत्ता, लाल मिर्ची और जीरा ऐड कर देते हैं और 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेते हैं ताकि जो फ्रेग्रेंस है वो घी में चला जाए। एक मिनट के बाद ऐड करते हैं प्याज। टेस्ट को बैलेंस करने के लिए आधा चम्मच शक्कर, ये ऑप्शनल है। नेक्स्ट मटर ऐड करते और प्याज के साथ अच्छे से फ्राई कर लेते हैं 2-3 मिनट के लिए, जब तक प्याज का कलर ब्राउन ना हो जाए। प्याज अच्छे से फ्राई होने के बाद पालक का पेस्ट ऐड करते हैं। यहाँ पे हमने पालक का पेस्ट ऐड कर दिया, देख सकते हैं। पालक का पेस्ट ऐड करने के बाद 4-5 मिनट के लिए हाई फ्लेम में अच्छा से पका लेंगे हम लोग। यहाँ पे पालक पूरा अच्छे से पक जाना चाहिए। चार पाँच मिनट के बाद पालक जब अच्छे से पक जाएगा तब बॉयल किया हुआ दाल और राइस को ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आधा लीटर जैसा पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करके अच्छे से मिक्स करते हैं और थोड़ा पानी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा ही गाढ़ा हो गया, थोड़ा और पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो देख सकते हैं कि दोस्तों कि ऐसा ही होना चाहिए गाढ़ापन, इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। अभी लीड को बंद करके 4-5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में पका लेते तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे कढ़ाई में मैंने गरम तेल ले लिया, उसके बाद जो लाल मिर्ची को ऐड किया और काट के रखा हुआ जो गार्लिक था और थोड़ा सा ऑनियन पहले से बचा के रखा था वो मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं जब तक अनियन का कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो दोस्तों देख सकते हो 2-3 मिनट के बाद अनियन का कलर गोल्डन ब्राउन हो गया। उसके बाद जो तड़का है इसको खिचड़ी में ऐड कर देते हैं और मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद अपना खिचड़ी तैयार हो गया।
अभी खिचड़ी को एक सर्विंग प्लेट में ले लेते हैं और थोड़ा बहुत फ्राइड ऑनियन और जो रेड चिली है उसे गार्निश कर लेते हैं। पापड़ के साथ आप सर्व कर सकते हैं इसको, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिए ये डिश, और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।